गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 13.2। ओके, कल मैंने आपको 13.3 स्टार्ट करवा दी थी, लेकिन हमारे कुछ क्वेश्चन लेफ्ट थे 13.2 के, तो आज हम पहले इसको ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हम 13.3 को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन, हमने 1-3 क्वेश्चन कर चुके हैं, हम फोर्थ क्वेश्चन देखिए। कन्वर्ट इंटू किलो लीटर एंड लीटर, किलो लीटर और लीटर में आपको चेंज करना है, ठीक है? तो 1 किलो लीटर इक्वल टू 1000 लीटर, तो 5000 लीटर। देखो 1 किलो लीटर 1000 लीटर, तो 5000 लीटर 5 किलो लीटर, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सेकंड में देखिए 7829 लीटर, तो इसको ब्रेक कर लो, 7000 लीटर प्लस 829 लीटर, तो 7000 लीटर किसके इक्वल होता है? 7 किलो लीटर 829 लीटर। ऐसे 4258 लीटर, इसको ब्रेक करेंगे, 4000 लीटर प्लस 258 लीटर, 4000 लीटर 4 किलोलीटर प्लस 258 लीटर, ठीक है? तो ये आ जाएगा आंसर 4 किलोलीटर 258 लीटर। उसके बाद 7236 लीटर, ब्रेक करो इसको भी, 7000 लीटर प्लस 236 लीटर, 7000 लीटर किसके इक्वल होगा? 7 किलोलीटर, तो ये आ जाएगा 7 किलोलीटर 236 लीटर। अब कन्वर्ट करना है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे, देखो ये तो 1000 से डिवाइड होता है, ये 10 से, और ये एज इट इज रहेगा क्योंकि मिलीमीटर में आपको गिवन है, ठीक है? तो अब हमें पता है कि 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के इक्वल होता है, 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के इक्वल होता है, ठीक है? तो 6000 मिलीमीटर 6 मीटर के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह 8250 मिलीलीटर को चेंज करना आपने, ठीक है, किसमें? मीटर, सेंटीमीटर और मिलीलीटर में। तो इसको करो 8000 मिलीमीटर प्लस 250 मिलीमीटर, ठीक है? मिलीमीटर आपने राइट कर दिया, 8000 मिलीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा? 8 मीटर के। 250 मिलीमीटर किससे करेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे तो 25 सेंटीमीटर, समझ में आ गया ना? तो ये आपको देखो, एक मीटर 1000 मिलीलीटर मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, ठीक है? तो 250 किसके आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर के, समझ में आ गया ये चीज? देखो अगर यहाँ पे है, तीन में आपको चेंज करना, तो पहले वाला 1000 से डिवाइड होगा, सेकंड आपका 10 से डिवाइड होगा, ये आपको डिवाइड नहीं करना, एज इट इज लिखना है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 8 मीटर 25 सेंटीमीटर। अब आ जाए 5278 मिलीमीटर, तो 5000 मिलीमीटर प्लस 270 मिलीमीटर प्लस 8 मिलीमीटर, अब ये तो आ जाएगा आपका 5 मीटर, ये आ जाएगा 27 सेंटीमीटर, ये आपका 8 मिलीमीटर, तो 5 मीटर 27 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट 8524 मिलीलीटर, तो इसको चेंज करेंगे हम, ब्रेक करो सबसे पहले, 8000 मिलीमीटर प्लस 520 मिलीमीटर प्लस 4 मिलीमीटर, 8000 को 1000 से करेंगे तो 8 मीटर, वैसे डायरेक्ट भी देख सकते हो आप, 1 मीटर 1000 मिलीलीटर, तो 8000 मिलीलीटर तो 8 मीटर आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर 520 को 10 से करेंगे तो आ जाएगा 52 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आपका 4 मिलीमीटर, आंसर आएगा 8 मीटर 52 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर। उसके बाद देखिए आप कन्वर्ट इंटू किलोमीटर एंड मीटर, आपको चेंज करना है किलोमीटर और मीटर में, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो ये आ जाएगा 7258 मीटर, इसको चेंज कर दो आप कन्वर्ट टू फैक्टर में। जब आपको सिर्फ दो में आपको ब्रेक करना है तो आप टू फैक्टर में ब्रेक करेंगे, जब आपको थ्री में ब्रेक करना है तो आप थ्री फैक्टर में ब्रेक करेंगे, अगर हो सकता है तो, ठीक है? अगर है तो आप करोगे, नहीं है तो आप दो में ही कर सकते हैं। ओके, तो ये आप देखिए 7000 प्लस 250 मीटर, 7000 मीटर प्लस 250 मीटर, 7000 किसके इक्वल आ जाएगा? 7 किलोमीटर के प्लस 258 मीटर, तो 7 किलोमीटर 258 मीटर, 5008
मीटर, तो 5000 मीटर प्लस 8 मीटर, तो 5000 मीटर 5 किलोमीटर प्लस 8 मीटर, तो 5 किलोमीटर 8 मीटर। अब इसके बाद देखिए 9257 मीटर, 9000 ब्रेक कर लो, 9000 मीटर प्लस 257 मीटर, 9000 किलोमीटर प्लस 257 मीटर, तो 9 किलोमीटर 257 मीटर। अब इसके बाद 5428 मीटर, ब्रेक कीजिए 5000 मीटर प्लस 428 मीटर, तो 5000 मीटर 5 किलोमीटर प्लस 428 मीटर, तो यह आ जाएगा 5 किलोमीटर 4028 मीटर। अब यहाँ देखिए 6th पार्ट 8257 मीटर, तो 8000 मीटर प्लस 257 मीटर, तो ये आ जाएगा आपका 8 किलोमीटर प्लस 257 मीटर, 8 किलोमीटर 257 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये आपकी 13.2 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करेंगे 13.3 एक्सरसाइज को। ये कल आपके बीच में आपकी लेफ्ट थी, लेकिन मैं आगे स्टार्ट करवा दिया था, अब ये भी लेफ्ट थी आपकी, अगले वाली भी लेफ्ट है, तो इसको मैंने आप कंप्लीट करवा दिया। अब जो कल हमने किया था 13.3 को, आप उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट, ओके लेट मी स्टार्ट 13.3 एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट, कंटिन्यू करते हैं 13.3 एक्सरसाइज। तो इसमें आपका स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, तो आपके फिफ्थ जो स्टेटमेंट है उसमें गिवन क्या है कि सीता जंप्स 3 मीटर 35 सेंटीमीटर, तो मीटर सेंटीमीटर को ऐसे राइट करो, 3 मीटर 35 सेंटीमीटर जंप्स करती है, तो गीता लेस देन जंप देन सीता, यानी कि कितना लेस जंप करती है, 45 सेंटीमीटर, तो आपको गीता की जंप निकालनी है, तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 5 माइनस 5 जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्या रखेंगे 13 माइनस 4 9 आ जाएगा, यहाँ से आपका 2 लेफ्ट बचेगा, तो 2 माइनस 0 2। ओके, अब देखिए इसका गीता जंप, यानी कि गीता की जंप कितने है, 2 मीटर 90 सेंटीमीटर। उसके बाद जो 6th क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, वेट ऑफ शुगर, एक बैग में क्या है, शुगर है, राइस है और प्रोसेस है, तो आपको टोटल वेट बताना है इसका बैग का, जिसमें सारी चीज़ कंटेन है, तो वेट ऑफ शुगर 2 kg 500 ग्राम एंड वेट ऑफ राइस 3 kg 250 ग्राम एंड वेट ऑफ प्रोसेस 5 kg 500 ग्राम, तो टोटल वेट प्लस कर दीजिए इन सबको। ठीक है, ऊपर यहाँ पर ऐड करेंगे केजी और ग्राम, तो यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा 0 5 5 5 10 2 12 आ जाएगा, तो यहाँ से 1 कैरी, तो 2 plus 1 3 3 plus 3 6 6 plus 5 11 kg 11 kg 250 ग्राम। एंड नेक्स्ट में आपको क्या दिया है कि एक टैंक है, उसमें आपको टोटल वाटर गिवन है 540 लीटर, जिसमें से कंज्यूम कर लेते हैं 130 लीटर, तो आपको बताना है कि जो क्वांटिटी है वाटर की वो टैंक में आफ्टर कंज्यूमिंग कितने हैं। ठीक है, तो लेफ्ट वाटर आपको बताना है, तो लेफ्ट वाटर है तो आपको क्या करना है, माइनस करना है, तो टोटल वाटर 540 मिलीलीटर आपको गिवन नहीं है, तो इसको आप 0 0 राइट करते हैं, तो यूज्ड वाटर माइनस करेंगे 130 850 मिलीलीटर को, तो 0 से 0 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पे 9। ठीक है, और यहाँ से कैरी लिया तो यहाँ पर 9 आएगा, तो यह आ जाएगा 0 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 8 1 9, और यहाँ से 4 माइनस 3, यहाँ से 1 कैरी लिया था तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो 3 माइनस 3 0 5 माइनस 1 4, तो यह आ जाएगा 409 लीटर 150 मिलीलीटर। उसके बाद हमें क्या गिवन है, एक क्वेश्चन में 2 बैग गिवन है आपको, एक बैग में जो क्वांटिटी है शुगर की एक 450 ग्राम, 8 kg 450 ग्राम, और दूसरे में आपको गिवन है 12 kg 605 ग्राम, जो मैंने सेकंड है उसको फर्स्ट बैग मान लिया, क्योंकि आपकी जो ज़्यादा क्वांटिटी है वो सेकंड बैग में है, तो जो ज़्यादा है उसी में से माइनस करेंगे कम वाले को, तो फर्स्ट बैग कंटेन शुगर 12 kg 605 ग्राम और सेकेंड बैग कंटेन शुगर -8 455। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ द शुगर इन द बैग, तो हमने निकाल दिया, तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस का मतलब है आपको क्या करना है, माइनस करना है, तो डिफरेंस कीजिए 5 माइनस 5, यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, 5 माइनस 5 0, तो 10 माइनस 5 5, यहाँ से हमने 10 किया है तो यहाँ पे आपको 5 बचेगा, 5 माइनस 4 1, 12 माइनस 4
8, 12 माइनस 8, 4, ओके, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 4 केजी 155 ग्राम। तो आपकी 13.2 और 13.3 दोनों एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। राइट डाउन फेयर नोट। ओके स्टूडेंट, बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।